हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सैम स्क्वायर। मैं रिचा आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और एक्चुअली मैं करवा चौथ के ब्लॉग का इंट्रो पार्ट शूट करना ही भूल गई थी, इसलिए मैं ये बाद में शूट कर रही हूँ। मूविंग टू दी वीडियो। मैं आ गई हूँ सरोजनी नगर मार्केट और यहाँ लगवा रहे हैं मेहंदी। ये भैया बहुत स्पीड से मेहंदी लगा रहे थे और ये 300 में एक हाथ लगा रहे थे। बहुत अच्छी डिज़ाइन में नहीं लगा रहे थे कि बहुत अच्छी डिज़ाइन लगा रहे हो। वो लगवाने के बाद पता चला कि बहुत अच्छी डिज़ाइन नहीं लगा रहे हैं। ये देखिए बहुत स्पीड से लगा रहे थे भैया, बहुत स्पीड से। और ये मेहंदी लगाई है मैंने खुद। आप लोग बताना आपको कैसी लगी मेरी मेहंदी। ये देखिए और अब स्टार्ट हो गया है एक न्यू डे। और यहाँ बना रही हूँ मैं दही बड़े हमारे यहाँ, क्योंकि ये सूखा करवे के अंदर भरा जाता है। ये देखिए लग रहा है ना टेम्पटिंग सा। और यहाँ बना रही हूँ मैं पूड़ी, ये भी हमारे यहाँ भरी जाती है। चार चार पूड़ी दोनों करवे के अंदर, इसलिए छोटी छोटी पूड़ियाँ बना रही हूँ। किसके किसके यहाँ ये करवे के अंदर भरा जाता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। और अब बन रहे हैं यहाँ पर परी। ये आटे के बना के पानी में उबाले जाते हैं, ये देखिए। और बन रही है कढ़ी, ये भरी नहीं जाती है बट इसकी पकौड़ियाँ भरी जाती हैं, वो भी चार चार दोनों करवे में ही। अब हो गई है शाम और मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ। ये देखिए मैं अभी फाउंडेशन लगा रही हूँ। मैंने इससे पहले अपनी स्किन को प्रेप कर लिया था। मेकअप के पहले स्किन को प्रेप ज़रूर करें, फ्लॉलेस मेकअप के लिए बहुत अच्छा है। मेरा छोटा शीशा नहीं मिल रहा था तो मैं फ़ोन के कैमरे से ही मेकअप कर ले रही थी, इग्नोर कीजिएगा उसे। और यहाँ पर मेरा फाउंडेशन ब्लेंड हो गया है अच्छे से। आप जब भी फाउंडेशन फेस पे लगाएं तो आप नेक पे ज़रूर अप्लाई करें, नहीं तो आपके फेस का कलर और नेक का कलर अलग अलग लगता है। और अब मैं लगा रही हूँ कंसीलर। मैंने अभी मेकअप का बहुत डिटेल वीडियो नहीं बनाया है, जब मैं गेट रेडी विद मी शूट करूँगी तब मैं आपके साथ मेकअप का सब शेयर करूँगी। जब भी आप मेकअप करें तो आप अपनी नेक और ईयर्स दोनों पे ज़रूर अप्लाई करें, नहीं तो वो फेस से अलग लगता है। कंसीलर का यूज़ आप कम ही करें, डॉट डॉट वाइज ही लगाएं। और आप अपने फाउंडेशन से टू शेड लाइट लीजिए हमेशा। अब इसे भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे।
यहाँ पर मेरा कंसीलर भी ब्लेंड हो गया है अच्छे से। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ कॉम्पैक्ट पाउडर यहाँ पर। आपने जहाँ जहाँ कंसीलर लगाया है आप वहाँ पर कॉम्पैक्ट बहुत ही अच्छे से सेट कर लें, क्योंकि कॉम्पैक्ट पाउडर लगाने से आपके आईज का एरिया बहुत अच्छा और बिल्कुल फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। मेरा कॉम्पैक्ट भी सेट हो गया है और मेरा बाकी का मेकअप प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा था। बच्चों ने इधर उधर पता नहीं कहाँ इधर उधर कर दिया था, मिल ही नहीं रहा था, सो मैं पूरा मेकअप कर ही नहीं पाई। और मैं आपको पूरा मेकअप करके दिवाली वीडियोस में दिखाऊंगी। अगर आप मेकअप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और यहाँ आ गए हैं मेरे बच्चे और इन्हें भी मेकअप करना है। मेरा बेटा मेकअप को बहुत शौकीन है। और अब मैं कर रही हूँ कंटूरिंग। कंटूरिंग मेकअप का बहुत ही अहम हिस्सा है, इससे आप का फेस का जो शेप है वो बहुत अच्छा आ जाता है। और मैं पाउडर कंटूरिंग का यूज़ करती हूँ। मैं फिंगर से नोज़ कंटूरिंग कर रही हूँ। अब मैं लगा रही हूँ ब्लश। ब्लश को हमेशा आप स्माइल करके लगाएं, बहुत अच्छा ब्लश लगेगा। बच्चे जिद कर रहे थे, उन्हें भी मेकअप करना है, तो मैं उन्हें भी ब्लश लगा देती हूँ। मैं अपनी बेटी को भी ब्लश लगा रही हूँ और बेटे को भी ब्लश लगा रही हूँ। बच्चे भी खुश, हम भी खुश। अब मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर। हाइलाइटर को आप नोज़ के एजेस पे और इधर चीक बोन्स के थोड़ा सा ऊपर, आईज के अब थोड़ा सा नीचे और लिप्स के आसपास थोड़ा सा ज़रूर लगाएं, फोरहेड पे बहुत अच्छा आता है लुक। इसके बाद मैंने लिपस्टिक लगाकर मेकअप कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि मुझे सामान भी नहीं मिल रहा था मेकअप का अपना और टाइम भी बहुत हो रहा था और मैं लिपस्टिक वाला शूट करना भी भूल गई हूँ, सॉरी। और यहाँ अब मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। करवा माता सभी के पतियों की दीर्घायु करें, जय हो करवा माता। आप में से किस किस के यहाँ करवा चौथ का व्रत होता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। और यहाँ ही बैठी मेरी बेटी। यहाँ मैं पढ़ रही हूँ करवा चौथ व्रत कथा, और ये कथा आई थिंक आप सब क्या पढ़ी जाती होगी। सॉरी गाइस, मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाना भूल गई थी, क्योंकि मैं शूट करना ही भूल गई थी। मैं आपको फाइनल लुक के लिए लास्ट में पिक्चर्स ऐड कर दूँगी,
अब उनसे ही अंदाज़ा लगा लेना। कथा समाप्त हो गई है और अब हम ऊपर जाने की तैयारी करेंगे। हम आ गए छत पर और ये देखिए अभी तक चांद तो नहीं निकला है, चांद निकलने वाला है। चांद निकल आया है गाइस, अब हम करेंगे पूजा। यहाँ मैं कर रही हूँ चांद देवता की पूजा। आप लोगों को चांद नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि वो थोड़ा पेड़ के बीच में था तो ऐसे कैमरे में नहीं आ रहा था, पर चांद निकल आया था। हमारे यहाँ करवे से की जाती है चंद्र देवता की आरती और हमारे यहाँ वो चलने वाला नहीं होता है, जैसे हमारे यहाँ होता है वैसे ही पूजा करते हैं। मैं कर रही हूँ यहाँ पर पूजा। हमारे यहाँ छत पर लाइट्स नहीं लगी हुई हैं इसलिए हमने टॉर्च की रोशनी में ही बनाया है वीडियो। यहाँ मैं निकाल रही हूँ पायल क्योंकि हमारे यहाँ पायल या चांदी के किसी भी ऑर्नामेंट से को लेकर ही पूजा करते हैं हाथ में। और इसे हमारे यहाँ लट धोवन कहते हैं। आपके यहाँ इस रस्म को क्या कहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड डाल रहे हैं मेरे लट में पानी क्योंकि कन्या कोई उतनी बड़ी थी नहीं जो मुझ तक पहुँच जाती, इसलिए उन्हें ही डालना पड़ता है। और यहाँ अब मैं करवे को घुमा रही हूँ, ये हमारे यहाँ 7 बार करते हैं बिना करवे को छोड़े हुए करना होता है इसे। अब मैं ले रही हूँ गौर माता से सुहाग। हमारे यहाँ हर पूजा में गौर रखी जाती है और इसी से सुहाग लिया जाता है। मैं आपको चांद दिखाने की कोशिश कर रही थी बट आपको शायद चांद नहीं दिखा होगा, पेड़ के थोड़ा सा पीछे है। यहाँ पिला रहे हैं मेरे हस्बैंड मुझे पानी और अब मैं भी पिलाऊंगी उनको पानी क्योंकि उन्होंने भी फास्ट रखा था। अब मैं उन्हें खिला रही हूँ स्वीट। और वो भी मुझे खिला रहे हैं स्वीट और अब हम दोनों का ही फास्ट टूट चुका है।
और मेरे देवर राजा भी हैं, तो मैं उन्हें भी स्वीट खिला रही हूँ। वो कैमरे के पीछे हैं। मेरी पूजा संपन्न हो चुकी है। आइयो अब आपको चांद दिखाते हैं। चांद ऊपर आ गया है, वो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना चांद। और यहाँ छुड़ा रहे हैं मेरे देवर राजा पटाखे, जो कि दिल्ली में बैन है, बट हमारे ये ओल्ड पटाखे थे तो ये वही छुड़ा रहे थे। ये है गाइस मेरा फाइनल लुक, और आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस।